जो भी ड्रामा हुआ इमरान खान के शागिर्दों ने जो साजिशें रची, संविधान की कानून की कैसे धज्जियां उड़ाई गई, सारे गुनाहों को लेकर विपक्ष सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर है, चौखट पे है। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यों की बेंच पाकिस्तान के सबसे बड़े षड्यंत्र पर सुनवाई इस वक्त कर रही है। हालात ऐसे हैं कि जजों को समय लेना पड़ रहा है, वक्त लेना पड़ रहा है। कल दावा किया गया था कि फैसला फौरन हो जाएगा, लेकिन ये फौरन आज के लिए टाल दिया गया था। तो बड़ी खबर यह मिल रही है कि आज फिर से डेप्यूटी स्पीकर के फैसले के खिलाफ केस की सुनवाई शुरू हो चुकी है। इमरान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करना सही या फिर गलत, आज पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना सकता है। अगर संसद भंग करने को कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित करार दे दिया तो यहां चुनाव ना कराते हुए अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग कराई जा सकती है। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट पे सबकी निगाहें हैं कि अविश्वास प्रस्ताव खारिज करना, सदन की कार्यवाही 25 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर देना, और इसको लेकर विपक्षी खेमा पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट। क्या सुप्रीम कोर्ट से इस तरीके से कोई ऑर्डर आ सकता है जिसमें सिर्फ डेप्यूटी स्पीकर नहीं बल्कि जो राष्ट्रपति की तरफ से असेंबली भंग किया गया है उसे भी खारिज कर दिया जाए, क्या ये पावर है? ये इस वक्त बड़ा सवाल पाकिस्तान के लिए बना हुआ है। तो पाकिस्तान की सियासत में इस समय उथल पुथल की स्थिति है। गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में है, जिसमें एक तरफ इमरान खान है तो दूसरी ओर खड़ा है पूरा विपक्ष। कोर्ट को तय करना है कि वो देश में चुनाव कराने में इमरान की मुराद पूरी करेगा या संसद भंग करने के फैसले में विपक्ष की तरफ से दायर की गई अपील पर मुहर लगाएगा। कोर्ट का फैसला कुछ भी आए, लेकिन कुल मिलाकर इमरान खान ने पाकिस्तान को पूरी तरह से फंसा दिया है। माना यह जा रहा है कि आज पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई के बाद फैसला सुना सकता है। इससे पहले सोमवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद में जो कुछ हुआ उसकी समीक्षा जरूरी है। कोर्ट ने कहा है कि नेशनल असेंबली भंग करने के फैसले की संवैधानिकता देखना जरूरी है। करीब 2 घंटे से ज्यादा समय तक सुनवाई के बीच कोर्ट कोई फैसला अभी तक नहीं सुना सका है। अब आज इस मामले की सुनवाई अभी भी चल रही है और इस वक्त सबकी निगाहें पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट पे है कि सुप्रीम कोर्ट से क्या कुछ फैसला आता है, क्या विपक्षी खेमे के हक में फैसला आता है या इमरान को इस वक्त करारा झटका लगेगा। और अब हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में अब तक क्या क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट में आज फिर संसद भंग केस की सुनवाई किस तरीके से शुरू हो चुकी है। कल सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो पाया था यह फैसला। कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जो हुआ उसकी समीक्षा जरूरी है। इमरान की पार्टी ने केयरटेकर पीएम के लिए भेजा नाम, पूर्व चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का नाम भेजा गया है। पाकिस्तान चुनाव आयोग ने चुनाव के लिए मना किया। चुनाव आयोग ने 3 महीने के अंदर चुनाव नहीं करा सकते, इसके लिए वो कह दिया है कि हमारी अभी स्थिति नहीं है कि हम 3 महीने में चुनाव करा ले। लेकिन मौजूदा वक्त में क्या हो रहा है ये हम आपको अपडेट करते हैं। अभी वक्त है कि सुप्रीम कोर्ट अगर विपक्षी खेमों के लिए फैसला सुना देता है, अगर वो राष्ट्रपति के भी फैसले को अगर पलट दे सुप्रीम कोर्ट, और वो सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला पलट सकता है, फैसला ये है कि वहां पे असेंबली भंग है। इस वक्त की पाकिस्तान से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां केयर टेकर पीएम को लेकर विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ का बड़ा बयान सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि केयर टेकर पीएम के लिए कोई लिखित चिट्ठी नहीं मिली है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कार्यवाहक पीएम के तौर पर इमरान खान जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, लेकिन शहबाज शरीफ का इस वक्त बड़ा बयान सामने आ चुका है, केयर टेकर पीएम की चिट्ठी नहीं मिली है, ये कहा है। अभी तक एज आई स्पीक मुझे कोई सदर अलवी का खत बतौर इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के नहीं मिला। टेलीविजन पर चल रहा होगा बाज़ाब्ता। मैं अभी इस वक्त 12 बज गए हैं और आज 5 तारीख है। एज आई स्पीक आई हैव नॉट रिसीव्ड ऑफिशियली एनी लेटर फ्रॉम प्रेसिडेंट अलवी, जिन्होंने आइंद को अपने पांव तले रोंदा है और आइंद शिकनिंग की है। जब वो खत आएगा तो जरूर हम अपने वकला और अपने तमाम इतिहादी जो पार्टनर्स हैं उनसे हम बात करेंगे। आज शहबाज शरीफ ने एक और बड़ा बयान दिया है। इमरान खान के खिलाफ उन्होंने जनरल बाजवा से गुहार लगाई है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि जावेद बाजवा दूध का दूध और पानी का पानी कर। आज मुतालबा करूंगा जनरल बाजवा से, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, मैं आज मुतालबा करूंगा DGISI से, जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं, कि अगर खुदा ना खास्ता
हमने गद्दारी की है तो फिर ये सबूत कौम के सामने ले आए और बात सुन लें प्लीज जरा, और अदालत उज़्मा के सामने ये इल्ज़ाम ये सबूत ले आए। और अगर हमने ये जुर्म नहीं किया, और अगर कोई हमने हम में से किसी ने अगर कोई जुर्म नहीं किया, कोई खुदा ना खास्ता किसी खारजी ताकत को दावत नहीं दी, कहीं खुदा ना खास्ता कोई खारजी वसाइल इस्तेमाल नहीं किए, तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए।